Hey Hassan. Hello. He's from Turkey but currently he's living in Iran. और ये वही रोड है जहाँ पे आप 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड देखते होंगे टीवी में. उसने इसी जगह पे आके ऐलान किया था, प्रजा को इकट्ठा किया था और ऐलान किया था कि अब दिल्ली सल्तनत पे वो राज करेगी. अंजी क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप बढ़िया होगे और मजे कर रहे होगे. तो यार आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली क्योंकि मेरा एक दोस्त है विशाल, आईएएस की तैयारी कर रहा हो और उसका मेरे को कॉल आता है कि भाई चल दिल्ली चलते हैं, उसको कुछ नोट्स वगैरह लेने थे. तो मैंने कहा भाई चल लो, इसी बहाने मेरा भी ब्लॉग बन जाएगा. तो गाइज ये रहा विशाल. विशाल से हाई और कमेंट करके बताओगे क्या इसकी पर्सनैलिटी आईएसआई वाली है, सॉरी आईएएस वाली है या नहीं. आईएसआई तो गाइज अभी हमें पहले आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से पहले हम जा रहे हैं एम्स. एम्स पे हमारा एक और दोस्त मिलने वाला है और उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे घूमने, पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं. और यहाँ पे पता है क्या दिक्कत हो रही है कि 80 रुपये का टोकन था और वो 200 रुपये के 100 रुपये का नोट ले नहीं रहा, वो कह रहा है कि 80 रुपये दो मेरे को. बताओ मशीनों के भी नखरे हो रखे हैं यहाँ पे यार. ये देखो वहाँ पे लोग परेशान हो गए, उनके टोकन ही नहीं आ पा रहे. अरे भाई मशीन ही खोल दिए तो. अभी मैं पहले पहुंच चुका हूं सरोजनी मार्केट, बहुत ज़्यादा फेमस है. एम्स तक आया था मैं दोस्त से मिलने और उसके बाद हम जा रहे हैं पहले सरोजनी मार्केट, देखते हैं कुछ मिलता है खरीदने को तो कुछ खरीद के लेके आते हैं. भाई इतनी देर से सरोजनी मार्केट में घूम रहा हूँ और कुछ भी नहीं मिला, मतलब एक से बढ़कर एक चीज़ें दिख रही हैं, सब लड़कियों के लिए दिख रही ज़्यादा तो. और जो लड़कों के लिए वो 3,000-4,000 बोल दे रहे हैं. हमारी शक्ल भी 3,000-4,000 लिखा भाई, इतना अमीर थोड़ा दिखते हम. अबे हमारी शक्ल देख के तो बोल देता पैसा. तू ये बता ये देखो ऐसे दिखते हम, ये 3,000-4,000 वाली शक्ल है कहीं से. और ऊपर से बाल इतने से क्यों रखे मेरे अलग से यार, छी देखने रहे सेट ही नहीं हो रहे भाई. बस में उड़ उड़ के ऐसे एक तो बाल वैसे खत्म हो गए, ऊपर से जितने बचे वो भी ऐसे खराब हो रहे. ये बोल रहा कुर्ता लेना, वो भी ये वाला देखो 100 रुपये का है तो मुझे भी रहने का. तो गाइज अभी मुझे मिले एक भैया. भैया आपका नाम क्या वैसे? विक्की नाम है भैया. भैया विक्की नाम है भैया का और भैया ने मेरे को टैटू का एक ऑफर दिया और इनका जो टैटू का है उल्टा हो गया. डेरवल टैटू सरोजनी मार्केट में. और आप कभी भी आके यहाँ पे टैटू बना सकते हो, बहुत अच्छे टैटूज बनाते हैं ये लोग और पोर्ट्रेट में भी बनाते हैं. तो भाई अभी हमारे सामने ई रिक्शा और साहिल बता रहा है कि इसके चार्ज कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं ऐसे मार के. अच्छा फिर क्या बताया, यहाँ पे लाल है ये थोड़ा धीरे बोलता है. अच्छा मतलब धीरे बोलता है और लाल का सही आ जाता है. और जो चार्ज होगा उसका क्या होता है? अच्छा, कौन सा चार्ज? अच्छा देखने यहाँ पे ग्रीन डॉट है. भाई हम ई रिक्शा लेने वाले थे लेकिन हमें अचानक से पता चला कि किसी ने पहले से ले रखी है और ये छोड़ दी यहाँ पे, तो हमें तो फ्री में मिल गई. मैं तो जा रहा हूँ अब, बाकी ये लोग देखे. दोस्तों वो सामने रहा प्रेसिडेंट हाउस और इस साइड है, इधर की तरफ है इंडिया गेट. अभी दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दूर है. अभी आपको क्लोज ले जाके वहाँ का व्यू दिखाते हैं. तो दोस्तों वो रहा आपके सामने इंडिया गेट और जिस रोड पे अभी हम हैं इसको बोलते थे पहले राजपथ और अभी इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है. और ये वही रोड है जहाँ पे आप 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड देखते होंगे टीवी में. इसके एक साइड इंडिया गेट है और इसके दूसरे साइड अगर आप देखें उधर, वो उधर की तरफ, तो वहाँ पे आपको दिखेगा प्रेसिडेंट हाउस जहाँ हमारे राष्ट्रपति निवास करते हैं. देखो भाई 1947 में ऐसा हुआ करता था. ये जो प्रेसिडेंट हाउस दिखाया मैंने, राष्ट्रपति भवन, ये वो है और ये वो राजपथ है और वो रहा इंडिया गेट. ये 1947 में ली गई पिक्चर है और आज के टाइम पे कितना बदलाव आ चुका है ये आप देख ही रहे होंगे. तो दोस्तों ये रहा इंडिया गेट, इसकी पूरी जो हाइट है वो है 42 मीटर. इस गेट की एक खासियत ये भी है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जो अफगान की लड़ाई हुई थी उस टाइम पे अंग्रेजों की तरफ से जितने भी भारतीय सैनिक लड़े थे, जितने भी भारतीय फौजी लड़े थे 84,000 के समथिंग, उनके नाम लिखे गए हैं इस गेट पे. एक एक पिलरों पे उनके नाम लिखे गए हैं. दोस्तों पहले यहाँ पे अमर जवान ज्योति जला करती थी, एक मशाल जलती थी हमेशा, लेकिन आज के टाइम पे वो जलती नहीं, पता नहीं क्यों, उसका रीजन मुझे भी नहीं पता. अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना. और जो इसका डिजाइन बना रखा है ना, एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे एडवर्ड ल्यूटियंस, उनके द्वारा ये बनाया गया है पूरा. साथ ही इसके बारे में कहा जाता है कि जिन पत्थरों से बना था ये राजस्थान से लाए गए थे, बलवा पत्थर कहते हैं इनको, और ये राजस्थान के भरतपुर से लाए गए थे. और मेरे को इसलिए पता है इसके बारे में क्योंकि जब मैंने शॉर्ट्स का अपना नया नया चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने सबसे पहले इंडिया गेट के बारे में वीडियो बनाई थी. सो गाइज वी हैव अ न्यू फ्रेंड हसन फ्रॉम तुर्की. हे हसन. हेलो.
ही इज फ्रॉम तुर्की बट करेंटली ही इज लिविंग इन ईरान। तो यार अभी अभी मैंने एक दोस्त बनाया अपना तुर्की का, हसन नाम था उसका, और बड़ा जेन्युइन बंदा था भाई। ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस था बड़ा मजा आया। यूट्यूबर था भाई मेन चीज, कि वो भी यूट्यूबर था और मैं भी यूट्यूबर, तो यूट्यूबर यूट्यूबर भाई भाई हो गया। उसका भी ब्लॉग चैनल, उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मैंने उसका चैनल सब्सक्राइब किया, बस यही सपोर्ट चाहिए एक दूसरे से हमें। तो भाई फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू दैट बंदा, वो बंदा सामने वाले की फोटो खींच रहा वहाँ पे ऐसे। तो यार जस्ट इंडिया गेट देख के अब हम लोग आए हैं जामा मस्जिद, और अभी घर जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन हमने सोचा चलो जामा मस्जिद देख के जाते हैं। तो गाइज अभी मैं हूँ जामा मस्जिद पे, और जामा मस्जिद के बारे में हिस्ट्री में कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी इंडिया में, उसकी जो पहली महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान, उसने इसी जगह पे आके ऐलान किया था, प्रजा को इकट्ठा किया था और ऐलान किया था कि अब दिल्ली सल्तनत पे वो राज करेगी, और दिल्ली सल्तनत की जो अगली उत्तराधिकारी होगी वो होगी भाई। यहाँ पे खड़ी थी रजिया सुल्तान और यहाँ प्रजा खड़ी रहती थी तब नीचे ऐसे ही। आज लोगों ने दुकान लगा दी वहाँ पे। देखो भाई पुराने टाइम में इस टाइप की धूप घड़ी हुआ करती थी, और जो पुराने टाइम के लोग थे वो इस जगह से छाया जो आ रही है, इसकी शेडो जो बन रही है, उस वजह से टाइम पता कर लेते थे। जैसे तैसे करके पहुंच गए भाई मेरठ। बहुत ज़्यादा बैटरी डाउन होगी भाई मेरी, फ़ोन की तो हो रखी है, मेरी भी बैटरी डाउन होगी, और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही रिकॉर्डिंग करने की। अब पहले पहुंचता हूं घर और उसके बाद ब्लॉग को एंड करता हूं यार। तो यार ये था हमारा दिल्ली का एक प्यारा सा ब्लॉग, और बहुत घूमे भाई, नए नए दोस्त बनाए मैंने फॉरेन कंट्री के, विदेशी दोस्त मेरे। अब विदेश जाऊंगा तो उनसे कांटेक्ट करना तो पड़ेगा ना। और बाकी कल इतना ज्यादा थक गए थे कि रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बाकी यार 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।